विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में दो दिवसीय छिंज मेला बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हो गया। पंजाब और हरियाणा के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी अब युवाओं को छिंज मेलों का क्रेज बढ़ता जा रहा है। दो दिवसीय छिंज मेले में इस बार विदेशी पहलवानों का जलवा देखने को मिला। इस विशाल दंगल में एक ऐसी रोमांचक कुश्ती देखने को मिली जिसमें एक नेपाली पहलवान ने पंजाबी पहलवान को पटक पटक के मारा। इस अद्भुत कुश्ती का वीडियो आजकल खूब वायरल हो रहा है। जिला बिलासपुर के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर के विशाल स्टेडियम में हुए विशाल दंगल के दौरान नेपाली पहलवान देवा ने जिस तरह से भारतीय पंजाबी पहलवान दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में चित किया, वह हर कोई देखकर हैरान रह गया। देवा थापा पहलवान ने कहा कि इतना प्यार उन्हें नेपाल में भी नहीं मिला जितना हिंदुस्तान के लोगों ने प्यार दिया है। जबकि इस विशाल दंगल में इस बार भी कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पहलवान अपना जौहर दिखाने के लिए पहुंचे और एक से एक बढ़िया अखाड़े में कुश्तियां दिखाकर लोगों का खूब मनोरंजन किया। हालांकि इस प्रतियोगिता के दौरान सबसे मुख्य मुकाबला जस्सा पट्टी और गुरमीत दिल्ली के बीच हुआ। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस हताशा की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की रैलियों में कुर्सियां खाली रहती हैं, जिसे देख आए दिन कांग्रेस के नेतागण स्तरहीन भाषा का प्रयोग करते हैं। वहीं कंगड़ा चंबा से कांग्रेस के उम्मीदवार पवन काजल ने किशन कपूर के खिलाफ गलत बयानबाजी की है। ये बात भाजपा वरिष्ठ नेता एवं हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के प्रवक्ता संजय शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। संजय शर्मा ने कहा कि पवन काजल की ना तो कोई विचारधारा है और ना ही वह जनता को समर्पित नेता हैं। वह पहले जिला परिषद का चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़े और दो मर्तबा जीते, वहीं विधानसभा चुनाव के टिकट पाने के लिए कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस के दफ्तर का चक्कर काटते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि जनता जानना चाहती है कि एक ट्रैक्टर चलाकर कैसे कोई करोड़पति बन सकता है, कहीं ये राहुल गांधी का वह फार्मूला तो नहीं है जिसमें उन्होंने आलू से सोना बनाने की बात की थी। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार काजल ट्रैक्टर चलाकर करोड़पति हो गए और दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार किशन कपूर के लोगों की सेवा करते करते एक ट्रक था वह भी बिक गया। कपूर ने जब राजनीति शुरू की थी उस समय उनके पास एक ट्रक था जो समाज सेवा करते करते बिक गया और वह ट्रक तो कपूर को करोड़पति नहीं बना पाए, लेकिन एक ट्रैक्टर ने काजल को करोड़पति बना दिया है। आखिर ये कैसे संभव हो पाया है, इसका जवाब काजल को देना होगा। संजय ने कहा कि सत्ती ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया था वह इसलिए क्योंकि राहुल गांधी भी गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी को पप्पू बीजेपी ने नहीं कहा, खुद राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि अगर मुझे पप्पू भी कहा जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोकसभा चुनाव में कांडो भटनोल उठाऊ पेयजल योजना नेताओं के गले की फांस बन सकती है। प्रदेश की पूर्व व वर्तमान दोनों सरकारों ने क्षेत्रीय लोगों की अनदेखी की है। योजनाओं के बनते ही 12 साल पूरे हो चुके हैं लेकिन ग्रामीणों को एक बूंद पानी की नसीब नहीं हो पाई है। तत्कालीन प्रदेश मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने योजना का उद्घाटन किया था लेकिन लोगों को फिर भी बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। अब गुस्साई ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने का मन बनाया है। बता दें कि पिछले 12 सालों में कांग्रेस व भाजपा दोनों दलों ने बारी बारी प्रदेश में सरकार बनाई है तथा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर लोगों को गुमराह करके योजना को पूर्ण करवाने का झांसा देते रहे। पूर्व सरकार ने तो छलावा किया है लेकिन वर्तमान सरकार भी लोगों की समस्या को सुलझाने में खरी नहीं उतरी है। लोगों का कहना है कि योजना में भ्रष्टाचार चरम पर रहा है। पहले बनाने में सरकारी पैसों का गमन किया गया, फिर रिपेयर के लिए भी लाखों रुपए की राशि का गमन हुआ है। कांग्रेस सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री की उद्घाटन पट्टिका को भी लोगों ने ये कहकर तोड़ दिया है कि पूर्व सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। योजना बनी ही नहीं फिर भी उद्घाटन किया गया, जब योजना पूरी ही नहीं हुई थी तो उद्घाटन क्यों किया गया। आपको लेकर मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक ने गद्यवश चुनावी उम्मीदवारों और राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। डीआरडीए सभागार में आयोजित इस बैठक में सामान्य पर्यवेक्षक सैयद सर्वदीनाम, एंटोनियो चटर्जी व मनोज जोशी और व्यय पर्यवेक्षक सुरेश लखावत मौजूद रहे।
क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों व उनके प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में उम्मीदवारों व उनके प्रतिनिधियों से चुनाव संबंधी उनकी चिंताओं व शंकाओं की जानकारी ली गई और उनके सवालों का जवाब देकर समस्याओं का समाधान किया गया। इस अवसर पर निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने पोलिंग व मतगणना एजेंट तैनात करने संबंधी नियमों की विस्तार से जानकारी दी। निर्वाचन अधिकारी ठाकुर ने कहा कि लोग चुनाव प्रक्रिया और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी कोई भी शिकायत सीधे संबंधित क्षेत्र के सामान्य पर्यवेक्षक और चुनाव व्यय से जुड़ी शिकायत व्यय पर्यवेक्षक से कर सकते हैं।